को ठाकुर जी की इच्छा समझ के उनकी लीला के सामने सर झुकाई ले। पता नहीं क्या लिखा है उसकी किस्मत में। अच्छा हुआ भौजी कि सगाई से पहले ही बात सामने आ गई। जो सगाई के बाद शादी टूट जाती तो बेचारे शास्त्री जी का मुंह दिखाते समाज को। हम पूछ रहे थे वो शगुन के लिए जो सामान खरीदा था उसे लौटाना है कि रखना है। अर्जुन अपने कमरे में ले जाओ और अच्छी तरह समझाओ कब कहाँ क्या बोला जाता है। जी भौजी जी। दादी माँ आप लोग इस तरह हिम्मत ना हारिए। कान्हा हमारे देव भैया के साथ इस तरह नाइंसाफी नहीं कर सकते। हमें पूरा विश्वास है देव भैया की किस्मत में जितने दुख उन्होंने देखे उससे ज्यादा दुख नहीं है। किसकी किस्मत में क्या लिखा है सिर्फ ऊपर वाला जानता है। फैंटास्टिक चाचा जी। अभी मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए कि आपका प्लान कितना ब्रिलियंट है। देव की सारी उम्र बीत जाएगी दोबारा शादी नहीं कर पाएगा बेचारा। राधिका का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। देवकी जी वो तो विवाह के लिए स्वीकृति ही नहीं दे रही थी। हमने ही उसे मनाया उसे सुख के स्वप्न दिखाए और अंत में इतना घोर दुख दे दिए। राधिका तुम अपने आप को संभालिए इस तरह से परेशान मत होइए। राधिका तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था। क्यों भगवान मुझे तुमसे बार बार मिलाकर तुमसे अलग कर देते हैं। क्यों राधिका हम दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान के मन में क्या है इंसान कभी नहीं जान पाया है। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना मैंने एक एक पल कैसे गुजारा है वो मैं ही जानता हूं। फिर हम लोग इसे किस्मत का फैसला मानकर चुप कैसे रहे। हम दोनों समाज के नियमों से बंधे हुए हैं। नहीं मानता मैं इस समाज को। मुझे तुमसे शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे इसके लिए मुझे अपना राज पुरोहित का पद भी क्यों ना। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। ये आपके बाबूजी का सपना था और दादी माँ गर्व महसूस करते हैं जब वो आपको राजपुरोहित की गद्दी पर देखते हैं। रात बहुत हो चुकी है अब मुझे जाना चाहिए। सुनो थोड़ी देर तो रुक जाओ। तुम पास होती हो तो कम से कम उतने समय के लिए। तुम्हें खो देने का डर मिट जाता है। जिसे पाया ही नहीं उसे खोने का क्या डर। अरे देव शास्त्री जी ने हम सबको पंचायत में बुलाया है। सर्वप्रथम तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। कल आप हमारे यहां आए थे और आपने मुझे राजपुरोहित धर्म आचार संहिता का वो नियम बताया जिसका मुझे ज्ञान नहीं था। जिसमें यह उल्लेखित है कि देव राजपुरोहित दूसरा विवाह नहीं कर सकते। परंतु इस आचार संहिता के 15वें अध्याय में इस समस्या का समाधान भी वर्णित किया हुआ है।